हमारे बायोटेक चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो आज हम मेगा स्पोरोजेनेसिस या इसकी हिंदी होती है गुण बीजाणु जनन और एम्ब्रियोसाय के बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे जो है वो। तो एक्चुअली मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है? तो मेगा स्पोर मदर सेल, माने मेगा स्पोर मदर सेल से जो होता है मेगा स्पोर जो होती है यह फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट है। ये माने मेगा स्पोर जो होता है दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। तो उसके निर्माण को हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि ओव्यूल में उस जो होता है माने ओव्यूल में जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस की ओर, जैसे मान लीजिए कि एक आउटर लेयर हो गया और इसके बाद जो होता है एक सेल जो होती है वो साइज में अन्य सेल से बड़ी हो जाती है और इसका साइटोप्लाज्म जो होता है घना हो जाता है और अन्य सेल से बड़ी हो जाती है। इसको बोलते हैं प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल बोलते हैं। फिर क्या होता है कि प्राइमरी आर्किस्पोरियल जो सेल होती है यह डिवाइड कर जाती है वो, और डिवाइड करके दो सेल बन जाता है। ऊपर की ओर प्राइमरी पैराइटल सेल बोलते हैं और नीचे जो होता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहलाता जो है। अब इसके बाद क्या होता है कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो होता है फिर पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल पैराइटल सेल फिर डिवाइड कर जाता है। देखिए एक सेल दो सेल डिवाइड कर जाता है वो। अब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो होता है यह बिना डिवाइड के और रहती है, तो इसको बोलते हैं मेगा एमएमसी। इसका फुल फॉर्म होता है मेगा स्पोर मदर सेल बोलते हैं वो। मेगा स्पोर मदर सेल कहलाती है वो, इसका निर्माण करती है। अब आती है कि मेगा स्पोर मदर सेल जो होता है इसमें मियाटिक डिवीजन होता है। वो मियाटिक डिवीजन जब होता है तो ये देखिए पैराइटल ये दोनों दिखाई पड़ रहा है, इसको पैराइटल सेल बोलते हैं। ये सेल जो है वो इसको बोलते हैं पैराइटल सेल कहलाती है वो, पैराइटल सेल। इसके बाद एमएमसी जो होता है मियासिस डिवीजन द्वारा 1, 2, 3, 4 माने एक सेल से चार बन जाती है और ये सब हाइब्रिड होते जो है वो, क्योंकि मियासिस विशेषता क्या होती है कि वह क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है और एक जो है वो इसको टेट्राड माने चार बोलते हैं वो। तो अब आती है कि जो लीनियर टेट्राड होता है उसको देखिए 1, 2, 3 और 4। अब आती है कि मोस्टली क्या होता है कि चलाजल जो ओव्यूल में चलाजा पोर्शन होता है वो चलाजल पोर्शन वाला जो मेगा स्पोर होता जो है वो वही मेगा स्पोर प्राय फंक्शनल माने क्रियाशील हो जाता है और उसको फंक्शनल मेगा स्पोर बोलते हैं वो। और ऊपर के ये तीनों 1, 2, 3 देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 ये जो तीनों मेगा स्पोर होते हैं ये डीजनरेट कर जाते हैं जो है वो माने खत्म हो जाते हैं और इसको बोलते हैं डीजनरेटिंग मेगा स्पोर कहलाता जो है वो, डीजनरेटिंग मेगा स्पोर बोलते हैं वो इसको। अच्छा अब आती है कि ये जो एक जो बचता है यही फंक्शनल मेगा स्पोर बन जाता जो है वो। अब आती है कि जो और बाकी तीनों जो है ये खत्म हो गए हैं वो। अब आती है कि माने डीजनरेट डिस्ट्रॉय हो गए हैं, फंक्शनल मेगा स्पोर एक्टिव हो जाता है। अब इसका जो न्यूक्लियस होता है वह माइटोटिक डिवीजन द्वारा पहले जो इसका न्यूक्लियस होता है वह 1 से 2 बन जाता है वो, और एक माने ए सेल अलग होकर के एम्ब्रियो सेट या इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। माने एम्ब्रियो जो सेक होता है एम्ब्रियो सेक इज आल्सो नोन एज द इसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहलाती जो है। अब आती है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है पहले 1 से 2 बार डिवाइड करेगा,
फिर इसके बाद क्या होता है, देन आफ्टर एक से दो ट्यूब डिवाइड हुआ और बीच में वैक्यूल, वैक्यूल रिक्तिका होती है, एक कोशिका अंश सेल ऑर्गेनेल्स होता है वो, फिर माइटोटिक डिवीजन काम करता है वो, और दो से जो एक से दो हुआ, फिर दो से चार बन जाते हैं वो, एक दो तीन और चार, माने फोर न्यूक्लियाई बन जाता जो है वो, और ये हो जाता है एम्ब्रियो सैक। इसके बाद फिर ये चारों डिवाइड, ये जो न्यूक्लियाई होते हैं न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई फिर डिवाइड माइटोटिक डिवीजन द्वारा करते हैं, माने समसूत्री विभाजन द्वारा एम्ब्रियो सैक का न्यूक्लियाई होता है वो फिर डिवाइड करता है वो, और फिर चार से आठ, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, और इसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, और एट न्यूक्लियट हो गया जो है वो। इसके बाद फिर क्या होता है कि इसमें से तीन, एक दो तीन, तीन तो ऊपर की ओर मूव करेंगे जो है वो, इस टाइप दिखाई पड़ेगा इसमें, इस टाइप से ये जो तीनों न्यूक्लियाई होते हैं वो ऊपर की ओर मूव करके यहां पर संख्या में तीन, एक दो तीन, तीन एंटीपोलर सेल बन जाते हैं वो, थ्री जो होता है ये बन जाते हैं एंटीपोलर सेल बन जाता जो है वो। इसके बाद जो एक दो तीन, तीन में से एक बीच वाला जो होता है वो ये बड़ा बन जाता है, और एक कहलाती है एक सेल कहलाती जो है वो, और हैप्लॉइड होती जो है वो एक सेल। इसके बाद जो ए वाला होता है, इसके एक बगल इधर और एक बगल इधर, इसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल कहलाती है वो, सिनर्जिड सेल। और सिनर्जिड सेल क्या होता है, जिसमें पॉलन ट्यूब इंटर करता है, तो पॉलन ट्यूब का ए सिनर्जिड सेल, इसमें पॉलन ट्यूब को इंटर कराने में ये एम्ब्रियो सैक में इंटर कराने में ये हेल्प करता है वो। इसके बाद यहीं पर ये देखिए, यहीं पर ऐसे थोड़ा डार्क दिखाई पड़ता है, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहा जाता है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस, फिलीफॉर्म ऑपरेटस बोलते हैं जो है वो ऑपरेटस। इसके बाद एक सेल सिनर्जिड सेल और फिलीफॉर्म ऑपरेटस, ये सब मिला करके इसको हम बोलते हैं एक ऑपरेटस, इसको हम एक ऑपरेटस बोलते हैं वो। अब आती है कि जिसमें इसके बाद एक न्यूक्लियस ए वाला और ए वाला, ये दोनों बीच में चलते हैं वो, माने यहां से ए वाला चलता है, ए वाला चलता है वो, और दोनों यहां मिल जाते हैं वो, माने इधर और इधर मिल जाते हैं वो, और दोनों मिल करके जुड़ करके, माने इसको पोलर न्यूक्लियाई, अगर पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं वो, लेकिन दोनों जुड़ जाते हैं वो, और जुड़ करके ए बन जाता है सेकेंडरी, सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है जो है वो, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये चूंकि एन होता है और एन होता है वो, तो एन माने इसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं उसके रिलेशन में, तो एन और एन, ए दोनों मिल करके ये टू एन बन जाता है। और जो ए रचना होती है इसको, ये जो पूरा दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक बोलते हैं वो, एम्ब्रियो सैक हालांकि जो है वो। इसमें देखिए एक दो तीन चार पाँच छ और सात आठ, माने कि सेल तो हो गया एक दो तीन चार पाँच छ सात, सेवन सेल हो गया जो है वो, सेवन सेल हो गया। लेकिन न्यूक्लियस बात करते हैं तो एक दो तीन चार पाँच छ और सात आठ, माने एट न्यूक्लियट हो गया जो है वो, तो सेवन सेल्ड एंड एट न्यूक्लियट वाली अवस्था होती है। और जो सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियट होता है यह पॉलीगोनम, इसका एग्जांपल जो है वो पॉलीगोनम टाइप में है, जो कि ये मैक्सिमम प्लांट में मिलता है वो। तो ये रही
मेगास्पोरोजेनेसिस और एम्ब्रियो सेल या फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में ये खत्म हो गया जो है। तो नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। ये हालत कई प्रकार की होती है लेकिन इसमें मुख्य जो होता है मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेल जो होता है ये अधिकांश प्लांट में ही मिलता जो है वो। इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो सेल होता है वो एट न्यूक्लिएट होता जो है वो, माने सेवन सेट होगा, जैसे 1 2 3 और यहाँ पर जो है वो 1 2 3 और बीच में जो है पोलर सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेवन सेल्ड होगा और एट न्यूक्लिएट होते हैं और अधिकांश प्लांट में मोनोस्पोरिक मिलता है और जिसे कि इसको पॉलीगोनम पॉलीगोनम टाइप बोलते हैं जो है वो। अच्छा अगला होता है बाइस्पोरिक। तो इस केस में क्या हो, जैसे प्याज वगैरह में इस ओनियन वगैरह मिलता है वो, इसमें क्या होता है ये फोर सेल्ड वाले होते हैं जो है ये जो होता है ये फोर सेल्ड वाले होते हैं जो है ये, तो इसको बोलते हैं बाइस्पोरिक बोलते हैं। और टेट्रास्पोरिक भी जो होता है इसमें एम्ब्रियो सैक एट सेल्ड, माने जैसे यहाँ बना हुआ है ये एट सेल्ड 1 2 3 एट सेल्ड और कभी कभार जो होता है जैसे एट सेल्ड हो गया और कभी कभार इसमें जो होता है 16 सेल्ड वाले भी होते जो है वो, माने 1 2 8 सेल्ड माने इससे 16 सेल्ड वाले भी होते जो है वो, इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेल। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है पॉलिनेशन। टॉपिक का अगला हेडिंग है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन और इसको हिंदी में बोलते हैं परागण, परागण पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, ये देखिए एंथर है ये, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। यहां पर ये जो पोर्शन होता है इसको स्टिग्मा बोलते हैं, वो स्टिग्मा कहलाती जो है। यहां से पॉलन ग्रेन निकला और पॉलन ग्रेन जो है यहां से निकल करके यहां स्टिग्मा पर पहुंच जाता जो है वो, यहां पहुंच जाता है ये क्या हो गया, एक पॉलन ग्रेन हो गया जो है वो पॉलन ग्रेन। तो उस कंडीशन को इसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं वो। अब चाहे बाई द एजेंट हो या बाई माने किसी तरीके से पॉलन ग्रेन से निकल करके इसके पहुंचने को पॉलिनेशन बोलते हैं वो। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, माने पॉलिनेशन के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन टू टाइप होता है वो। नंबर वन सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और नंबर सेकंड होता है क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। और इसकी हिंदी होती है स्वपरागण, स्वपरागण, और इसकी हिंदी होती है परपरागण, स्वपरागण, और इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो स्वपरागण में क्या होता है वो, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, ये प्लांट हो गया और प्लांट का ये फ्लावर हो गया जो है वो, ये मान लीजिए कि ये सेपल हो गया और यहां पर जो है ये इसका एंथर हो गया, ये एंथर हो गया और बीच में यहां पर जो है ये इसकी
फीमेल पार्ट हो गया, जो है वो ये हो गया स्टिग्मा हो गया स्टिग्मा। अब आज यहां से पालेंद्र निकले और पालेंद्र निकल करके यहां इसके स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, या इसी प्लांट के कोई मान लीजिए यह देखा फ्लावर है, ये यहां फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये और यहां पर मान लीजिए कि एंथर है, ये भी एंथर हो गया और यहां पर स्टिग्मा हो गया। तो चाहे यहां से पालेंद्र यहां निकल करके यहां पहुंच जाए या यहां वाला यहां पहुंच जाए या यहां वाला खुद का इसी पहुंच जाए, जो है ये भी जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन में आता है, जो है सेल्फ पॉलिनेशन में ही आता है वो। लेकिन इसमें एक खास क्वालिटी और भी होती है कि अगर ए परागकण जैसे फ्लावर हो गया, ए फ्लावर हो गया, दूसरा सेम प्लांट है, ये ए फ्लावर हो गया और ए फ्लावर हो गया, एक इस फ्लावर का पालेंद्र निकल करके अगर इस पे पहुंच जाए या इसका परागकण के निकल करके यहां पहुंच जाए, जो है वो, तो उस कंडीशन को इसको बोलते हैं गीटनोगैमी बोलते हैं, गीटनोगैमी कहलाता है वो, गीटनोगैमी बोलते हैं, जो है वो। अब आती है कि सेल्फ पॉलिनेशन से लाभ माने एडवांटेज क्या है वो, माने सेल्फ पॉलिनेशन से हमें एडवांटेज क्या होता है वो। तो फर्स्ट एडवांटेज ये होता है इसमें किसी एक्स्ट्रा बर्डन, एडवांटेज माने लाभ, तो फर्स्ट लाभ ये होता है किसी एक्स्ट्रा बर्डन जैसे कि फ्लावर का स्मेल का या एजेंट की, इन सबों की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है वो, फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज ये होता है कि पालन ग्रेन जो होता है क्योंकि सेल्फ ही हो रहा जो है वो, तो पालन ग्रेन जो होता है खराब नहीं हो पाते हैं वो। और थर्ड इससे फायदा क्या होता है कि इससे चूंकि सेम प्लांट है वो, तो जात की निरंतरता जो होती है वो, माने कि सेम टाइप वैरायटी हमको ये प्राप्त होती रहती जो है वो। ये तो रहा जो है वो क्या बोलते हैं इसका एडवांटेज हो गया। अब आती है इसका डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज माने इससे सेल्फ पॉलिनेशन से क्या हानि होती है वो। तो हानि की बात करते तो हानि बहुत ज्यादा है वो, क्योंकि जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो हमको न्यू वैरायटीज माने अच्छे नस्लों के पौधों, पहले खास खूबी क्या होती है चूंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है वो, तो अच्छे नस्लों के हमको प्लांट नहीं मिल पाते हैं, नंबर एक। नंबर दो जो होता है हमको न्यू वैरायटीज नहीं मिल पाती हैं वो। नंबर थर्ड इससे रोग प्रतिरोधी जातियों माने डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटीज जो होती है इससे हमको नहीं मिल पाती है। तो ये तो रहा इसका परागण से हमको क्या डिसएडवांटेज होता है। तो ये रहा इसके बारे में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब होती है अगला बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन माने पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन और इसकी हिंदी होती है पर परागण। तो पर माने दूसरा होता है, परागण माने परागण। तो जिस समय जिस समाज माने कोई प्लांट है, ये एक पी प्लांटी वाला हो गया, एक मान लीजिए पी प्लांटी है, ये इसके जो है ये देखिए यहां पर एंथर हो गया, यहां भी एंथर हो गया और इसका बीच का ये पोर्शन स्टिग्मा हो गया, और तो ये क्या है ये एंथर हो गया एंथर, और ये पूरा क्या हो गया फ्लावर हो गया जो है वो, और ये क्या हो गया प्लांट हो गया प्लांट। अब आती है कि अगर इसके फ्लावर माने ये प्लांट है ये, तो यहां का पालन ग्रेन उड़ करके और स्टिग्मा हो गया, ये स्टिग्मा,
यहां से पालेंग्रेन स्टिग्मा पर इसके न पहुंचे, बल्कि इसी के कोई और जाति हो जो है वो, माने दूसरी दूसरे प्लांट हो, जिसे मान लीजिए पी प्लांट है ये और ये दूसरा पी प्लांट है ये और इसका ये फ्लावर हो गया, मान लीजिए जो इसका जो है फ्लावर ये देखिए ये हो गया। अब इसका हो गया स्टिग्मा, स्टिग्मा। अब आती है कि इसका इसका पालेंग्रेन किसी एजेंट द्वारा, क्योंकि इसमें एजेंट काम करता है, वो अब आती है किसी एजेंट द्वारा वो यहां से यहां पहुंच जाए जो है वो, या इसका पालन माने इस फ्लावर का, इस प्लांट के फ्लावर का पालेंग्रेन किसी एजेंट द्वारा इसी जाति के दूसरे पौधे पर यहां पर पालेंग्रेन पहुंच जाए, या पालेंग्रेन यहां से निकल करके इसके स्टिग्मा पर पहुंच जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं वो। अब आती है कि क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है इसमें एजेंट काम करते हैं, एजेंट जैसे कि अब अगली बात करते हैं इसमें कौन कौन से एजेंट होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत सारे एजेंट काम करते हैं वो, जैसे कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन में एजेंट जो है बाय द एयर हो जो है वो एयर होता है, जैसे कि मक्का में एयर काम करता है वो, तो उसको बोलते हैं एनिमोफिली बोलते हैं वो, एनिमोफिली बोलते हैं वो। अगर हम लोग जैसे एनिमल जैसे ह्यूमन हो गया या कोई एनिमल हो गया जो है वो, जैसे ह्यूमन हो गया एनिमल, अगर एनिमल एजेंट के रूप में काम करता है वो, तो उसको बोलते हैं जूफिली बोलते हैं वो, जूफिली। और अगर कोई इंसेक्ट इंसेक्ट काम करता है वो, जैसे कि दीमक हो गया, चींटी हो गई, ये सब, तो उसको बोलते हैं एंटमोफिली बोलते हैं वो, एंटमोफिली कहलाता है वो। और अगर स्नेक कुछ प्लांट में स्नेक माने सर्व भी पॉलिनेशन में हेल्प करता है वो, तो उस कंडीशन को उसको बोलते हैं ओफियोफिली बोलते हैं वो। तो ओफियोफिली वह कंडीशन होती है जिसमें कि स्नेक जो होता है पालन ग्रेन को ट्रांसफर करता है स्टिग्मा तक जो है वो। और जब अगर वाटर वाटर जब इसमें एजेंट के रूप में काम करता है वो, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली बोलते हैं, हाइड्रोफिली कहलाता है वो। और अगर बर्ड बर्ड एजेंट के रूप में काम करे जो है वो, बर्ड जो होता है एजेंट के रूप में काम करता जो है, एजेंट हो गया ये, तो उसको बोलते हैं ओर्निथो ओर्निथोफिली बोलते हैं वो, ओर्निथोफिली कहलाता है वो। अब आती है कि अगर इसमें जो होता है बैट माने चमगादड़, अगर बैट जो है एजेंट का वर्क करे जो है वो, तो उसको बोलते हैं चीरो टीरोफिली बोलते हैं वो। तो ये रहा इतने सारे एजेंट होते हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं जो है वो। तो अब इसमें बात आती है कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसका क्या एडवांटेज है वो, उसको बोलते हैं एडवांटेज ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसका एडवांटेज क्या होता है वो, पहला एडवांटेज होता है चूंकि क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो इससे हमें डिजीज रेसिस्टेंट माने रोग प्रतिरोधी जातियों के नए पौधों का निर्माण होता है वो,
नंबर सेकंड इससे जो होता है जो प्लांट बनेंगे जो है वो अच्छी वैरायटीज वाले बनते हैं वो, क्योंकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है वो। एक तो रही बात जो है वो एडवांटेज बात रहती जो है वो, और एक और फायदा होता है कि जो उपज क्षमता होती है प्लांट की जो है वो, माने यील्डिंग कैपेसिटी होती है, वह बढ़ जाती है क्योंकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है और नस्ल उत्तम नस्ल की आती जो है वो। अब आता है कि इसका डिसएडवांटेज क्या है वो। डिसएडवांटेज माने क्या कि इसका हमसे हानि, इसका क्या डिसएडवांटेज होता जो है वो। तो नंबर एक डिसएडवांटेज होता है चूंकि इसमें एजेंट ग्रुप में काम करता है वो, तो जाहिर सी बात है जब एजेंट ग्रुप में काम करेगा तो अत्यधिक पालन ग्रेन जो होते हैं वो खराब हो जाते जो है, खनस हो जाते जो है वो। और सेकंड क्या होता है, इसमें फ्लावर को एक्स्ट्रा बर्डन के रूप में जिसे रंग सुगंध का भी होना आवश्यक होता जो है वो। तो बच्चों ये रहा इसके पॉलिनेशन बारे में होता है वो। तो